नमस्कार, आप देख रहे हैं एचसीएन न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजना उपाध्याय। एक्स मुस्लिम ऑफ केरल, टाइटल से आप इतना तो समझ गए होंगे कि एक इस्लामिक विचार के इर्द गिर्द है। हमारी खबर का उद्देश्य आपके सामने इसके बारे में वो हर एक तथ्य रखना है जिससे आप केरल की स्थिति पर गौर करें। बीते दिनों मलयाली फिल्मों के सफल निर्देशक अली अकबर ने अपनी पत्नी लुसिम्मा के साथ इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया था, जहां उनका कहना था कि इस्लाम में कट्टरवाद बढ़ता चला जा रहा है। मौजूदा समय में केरल में एक्स मुस्लिम ऑफ केरल नाम के संगठन की जमकर चर्चा हो रही है, जहां दावों के अनुसार इस्लाम में कट्टरवादी बढ़ गई है, इसलिए राज्य में करीबन 2000 मुस्लिमों ने इस्लाम को छोड़ दिया है। अब दरअसल एक्स मुस्लिम ऑफ केरल नाम का संगठन है क्या, वो आपको समझाते हैं। यहाँ इस संस्था का उद्देश्य इस्लाम छोड़ने वाले मुस्लिमों को सहायता प्रदान करना है, साथ ही उन लोगों को समर्थन देना। इस संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ हुसैन थेरुवत ने साफ तौर पर इस पर अपनी राय रखते हुए कहा, पिछले एक साल में केरल में रिकॉर्ड 300 लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। आंकड़ों से इतर बात करें तो करीबन 2000 लोग हमारे संपर्क में हैं जो इस्लाम छोड़ चुके हैं। ऐसे में बहुत लोग होंगे जो हमारे संपर्क में नहीं आ पाए। जबकि डॉक्टर आरिफ ने आगे कहा, लोग इसलिए अपनी पहचान छिपाए रखते हैं क्योंकि समाज ऐसे लोगों को काफिर और अनैतिक करार दे देती है। यही नहीं, उस शख्स का बहिष्कार किया जाता है, उसके प्रॉपर्टी समेत तमाम तरह के अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक हर तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है। जबकि इस बीच एक्स मुस्लिम ऑफ केरल के अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ हुसैन थेरुवत ने आगे बताया, वैसे तो हर धर्म नास्तिक लोगों के साथ भेदभाव करता है, लेकिन इस्लाम इस मामले में कट्टर है। जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं, लोग उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। हालांकि डॉक्टर आरिफ ने आगे कहा, इस्लाम में पैगंबर मोहम्मद की बातों को पत्थर की लकीर मानते हैं, लेकिन उनके जीवन को ध्यान से पढ़ें तो उनके अपने कैरेक्टर पर ही सवाल खड़े होते हैं। इन सब के बीच केरल की आयशा मरके राउज का नाम सामने आया, जिसमें मीडिया रिपोर्ट्स में उसके बयान भी सामने आए हैं। यहाँ दरअसल आयशा ने इस्लाम छोड़कर नास्तिकता को अपना लिया, जिसके बाद उन्होंने कहा, मैं करीब 10 सालों से संदेह की स्थिति में थी। इस्लाम को लेकर मेरे भीतर सवाल ही सवाल थे, जिसके चलते मैंने कुछ साल पहले पैगंबर मोहम्मद की बायोग्राफी पढ़ी। यहाँ आयशा ने आगे बताया, जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ती गई, मेरा इरादा पक्का होता गया। यहाँ उस किताब में दास्ता और औरत को लेकर जो बातें लिखी गई है वो मानवाधिकार की धज्जियां उड़ाती है, इसलिए मैंने दिसंबर 2021 में मस्जिद जाकर इस्लाम छोड़ने का फैसला किया। आयशा की ही तरह केरल के कई ऐसे लोग हैं जो अब तक इस्लाम छोड़ चुके हैं, लेकिन इस मजहब को छोड़ने वालों के साथ मुस्लिम लोग बहुत बुरा बर्ताव करते हैं। उन्होंने कहा, मेरे घर वाले बातचीत तो करते हैं, पर अब पहले वाली बात नहीं रही। मौजूदा समय में जिस तरीके से केरल में एक्स मुस्लिम ऑफ केरल नाम के संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर आरिफ के दावे हैं, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। जहां इनके दावे कहां तक सही है, इस पर रिपोर्ट ही जानकारी दे सकती है। जहां फिलहाल किसी भी तरीके से इस पर पुलिस या कानूनी दाव नहीं फंसा है, लेकिन संस्था का दावा कहीं ना कहीं लोगों के बीच सुर्खियां बन रहा है। जनवरी 2022 से चल रही संस्था से जुड़ी खबर अब और भी तेजी से चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको हमारी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और देखते रहिए एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।